नमस्कार। झारखंड को लेकर सभी 81 सीटों को लेकर फाइनल एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं और झारखंड में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़ों ने चौंकाया है और अब तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि वोटिंग के बाद दोनों चरणों को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि पहले फेज की अगर बात की जाए तो 43 सीटों को लेकर यहाँ पर भी बंपर वोटिंग देखने को मिली थी और 2019 के मुकाबले 2024 में पहले फेज की 43 सीटों पर भी यहाँ पर ज्यादा मतदान देखने को मिला है। 2019 की बात की जाए तो झारखंड में पहले फेज की 43 सीटों में से इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहा था, लेकिन बात की जाए तो दूसरे दौर की यहाँ पर बात की जाए 38 सीटों को लेकर भी वोटिंग खत्म हुई है और दूसरे फेज का जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है वो बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है, क्योंकि 2019 के मुकाबले यहाँ पर 2024 में ज्यादा मतदान देखने को मिला है। दोनों फेजों को लेकर क्या कुछ आंकड़ा है और दूसरे फेज के 38 सीटों में 2019 में भी यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस का पलड़ा भारी था, लेकिन इस बार कई मुद्दे यहाँ पर जो है सामने आ रहे हैं और वो आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिस कारण के आंकड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पहले फेज में यहाँ पर 19 से 22 सीटों पर इंडिया गठबंधन तो एनडीए 22 से 29 सीटों का अनुमान था, लेकिन दूसरे फेज ने जिस तरह से माहौल बदला है और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो सभी 81 सीटों पर फाइनल एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। तो रांची से जरूर बात करते हैं। रांची की 7 विधानसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 3 सीटें जबकि एनडीए गठबंधन को 4 सीटें, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना एग्जिट पोल ने यहाँ पर दिखाई है। सरायकेला की बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर 3 में से 1 सीट पर इंडिया गठबंधन, 2 सीट पर एनडीए को जीत का अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया। झारखंड में जो आंकड़े हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। कई एजेंसियों के हिसाब से झारखंड में एनडीए सरकार बन रही है तो कई एजेंसियों के हिसाब से इंडिया गठबंधन की भी सरकार बन रही है, यानी मामला बराबर का दिखाई दे रहा है जो झारखंड को लेकर आंकड़े हैं, जो एग्जिट पोल के अनुमान है। लेकिन पूर्वी सिंहभूम की 6 में से 4 पर इंडिया गठबंधन और 2 पर एनडीए का पलड़ा भारी हो सकता है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम की 5 सीटों में से 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट पर एनडीए का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है, जिस कारण के आंकड़े झारखंड को लेकर जो एग्जिट पोल ने अनुमान दिखाए हैं। खूंटी की 2 विधानसभा सीट पर भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं, दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, अन्य के पक्ष में 0 सीट, एनडीए को यहाँ पर 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। गिरिडीह की 6 में से 2 पर इंडिया गठबंधन और 3 सीट पर एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जिस कारण के आंकड़े झारखंड को लेकर पहले और दूसरे फेज की वोटिंग के बाद जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं। गोंडा की यहाँ पर 3 सीटों में से 1 सीट पर इंडिया गठबंधन और 2 सीट पर एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। हजारीबाग की 4 में से 2-2 सीटों की बराबरी की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस कारण के आंकड़े झारखंड को लेकर सामने आ रहे हैं। पाकुड़ की 3 सीटों में से 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो एग्जिट पोल ने आंकड़े यहाँ पर दिखाए हैं, जिस कारण के अनुमान यहाँ पर सामने आ रहे हैं। कोडरमा की 1 सीट पर एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो झारखंड को लेकर अब तक 43 सीटों के अनुमान में है। यहाँ पर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। साहिबगंज की 3 में से 2 पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट है एनडीए के पक्ष में जाने का अनुमान, झारखंड को लेकर एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं। धनबाद की 6 में से 3 सीटों पर एनडीए और 1 सीट अन्य के पक्ष में जाने का अनुमान सामने आ रहा है। दुमका की 4 सीटों में से अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट एनडीए के पक्ष में जाने का अनुमान, झारखंड एग्जिट पोल के अनुमान में सामने आ रहा है। पलामू की 5 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों पर जीत का यहाँ पर विश्लेषण एग्जिट पोल ने लगाया। रामगढ़ की 2 सीटों में से 1-1 सीट इस बार यहाँ पर कांटे की टक्कर रामगढ़ में देखने को मिलने वाली है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेहदगा की 1 सीट में से 1 सीट पर ही इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। चतरा की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है, जो आंकड़े हैं। जामताड़ा की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। गुमला की 3 विधानसभा सीट की बात की जाए तो 2 सीटें इंडिया गठबंधन और 1 सीट एनडीए के पक्ष में जाने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। सिमडेगा की 2 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहां पर भी कांटे की टक्कर है और 1 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट एनडीए के पक्ष में जा रही है, जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं। बोकारो की 4 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 2 सीटें, 2 सीटों पर ही एनडीए को जीत का अनुमान, झारखंड को लेकर 81 सीटों के महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। लातेहार की 2 सीटों में से भी
यहां पर भी कांटे की टक्कर है, एक एक सीट की यहां पर बराबरी की देखने को मिलने वाली है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं गढ़वा की दो सीटों में से यहां पर एक सीट पर इंडिया गठबंधन और एक सीट एनडीए के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई। इस तरह से अगर बात की जाए तो झारखंड को लेकर जो यहां पर आंकड़े सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं, यहां पर अगर बात की जाए तो 39 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जेएमएम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए को करीब 40 से 50 सीटों का अनुमान है। अन्य के पक्ष में 2 से 5 सीटें जा सकती हैं, यानी झारखंड में किसी भी गठबंधन की सरकार बन सकती है जो एग्जिट पोल के अनुमान है। और अगर बात की जाए तो और बड़ी एजेंसियों के जो आंकड़े झारखंड को लेकर सामने आ रहे, 81 सीटों के जो आंकड़े, उसमें अगर बात की जाए तो यहां पर कई चुनावों में महत्वपूर्ण एग्जिट पोल के आंकड़े दिखा चुके हैं एक्सिस माई इंडिया। यहां पर बात की जाए तो 25 सीटों पर बीजेपी सिमट रही है झारखंड में, जबकि कांग्रेस गठबंधन के लिए 53 सीटें हैं, अन्य के पक्ष में 3 सीटें हैं। अगर एक्सिस माई इंडिया जो कि इससे पहले कई चुनावों पर अपना सटीक एग्जिट पोल अनुमान दिखा चुका है, और अगर सटीक अनुमान आते हैं तो फिर यहाँ बड़ा उलट फिर देखने को मिल रहा है। मटराइज के आंकड़ों की बात की जाए तो फिर 42 से 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस गठबंधन की बात की जाए तो 25 से 30 सीट, अन्य के पक्ष में 1 से 4 सीट जा रही हैं। चाणक्य की अगर बात की जाए तो 45 से 50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए झारखंड में, और यहाँ पर जेएमएम कांग्रेस गठबंधन के लिए 35 से 38 सीट, अन्य के पक्ष में 3 से 5 सीटें जा रही हैं। झारखंड की बात की जाए तो 81 सीटों में से अगर बात की जाए तो यहां पर 41 सीटों पर जो बहुमत का आंकड़ा है वो यहां पर सीधे तौर पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी जा सकता है और इंडिया गठबंधन कांग्रेस जेएमएम के पक्ष में भी जा सकता है। महा एग्जिट पोल की बात की जाए, एवरेज आंकड़े की बात की जाए तो 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 39 सीटों पर इंडिया गठबंधन, 3 सीटें अन्य की महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वो किसके साथ जाती हैं, क्योंकि बात की जाए तो 41 सीटों पर बहुमत का आंकड़ा मिलता है वो यहां पर किसी भी पार्टी को मिलता नजर नहीं आ रहा है। झारखंड में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है जो अब तक एग्जिट पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं। तो इस तरह से झारखंड को लेकर कई बड़ी एजेंसियों के आंकड़े यहां पर दिखाए हैं और जिस कार के अनुमान सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है झारखंड में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए यहां पर वापसी करने जा रहा है या जेएमएम कांग्रेस फिर सरकार बनाने जा रही है? इसको लेकर आप रख सकते हैं, क्योंकि 23 नवंबर को फाइनल नतीजे सामने आ जाएंगे आखिर झारखंड में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। कुल विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।